गुड मॉर्निंग, नाउ वेलकम टू स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर। आज हम लेसन नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं, सोच अपनी अपनी। किसी भी विषय के पक्ष और विपक्ष, यानी कि कोई भी एक ऐसा विषय होता है जैसे गांव का जीवन, उसके पक्ष में कितने लोग हैं और वही गांव के जीवन के विपक्ष में कितने लोग हैं, मतलब किसको गांव का जीवन पसंद नहीं आता। नहीं आने वाले विपक्ष कहलाते हैं और जिनको पसंद आने वाले वो पक्ष कहलाते हैं। तो कोई भी विषय के पक्ष और विपक्ष में जो तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की जो अभिव्यक्ति होती है उसको हम वाद विवाद प्रतियोगिता भी बोलते हैं। कभी आप लोगों ने पहले जो है स्कूल में आया होगा तर्क वितर्क प्रतियोगिता, किसी बात को लेकर के आप सहमत हैं तो क्यों सहमत हैं और आप किसी बात को लेकर आप असहमत हैं तो क्यों असहमत हैं, यही वाद विवाद प्रतियोगिता आती है। तो वाद विवाद जो होता है मौखिक और भाव व्यक्ति और अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद में कोई भी एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है, कुछ विद्यार्थी उस विषय में के पक्ष में बोलते हैं तो कुछ उसके विपक्ष में तर्क वितर्क करते हैं, तर्क इकट्ठे करते हैं, कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत किया जाता है। अब यहाँ पे आपका तर्क वितर्क में आया है गांव का जीवन और शहर का जीवन। नीचे जो दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, ये चित्र आपको दिख रहा है लेफ्ट, इनको ध्यान से देखिए। इनको ध्यान से देखने पर आपको पता चल रहा है एक शहर का चित्र है और एक गांव का चित्र। दोनों चित्रों में क्या अंतर है, फिर गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है और क्यों, इसी का तर्क वितर्क है। अगर तालाब का पानी जल का पानी पीने योग्य नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों है। इसीलिए यहाँ पे पक्ष जो होता है वो है पर तर्क देता है और जो विपक्ष होता है वो नहीं है पर तर्क देता है। इस लेसन में सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स ही है, आपको गांव के जीवन और शहर के जीवन में अंतर बताना है। और अब ये जो देख रहे हो पेज नंबर 46 पे देखो, बहुत दूर जन्म ले रहा है भारत धरती जैसा ग्रह। जब से मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ 8th में, मेरे ख्याल से 10 से 12 साल हो चुका है मुझे 8th में हिंदी पढ़ाते हुए, तब से मैं ये पढ़ा रही हूँ। लेकिन आज तक 12 साल बीत चुका है तो भी ये चीज़ जो है धरती जैसा ग्रह अभी तक किसी के उसमें सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी हम पढ़ाते हैं। नासा की दूरबीन से दिखाई पृथ्वी के जन्म जैसी तस्वीरें, पृथ्वी जैसा ग्रह, पृथ्वी जहाँ समझते हो ना, जो हम लोग पृथ्वी में रहते हैं, अर्थ, हम पृथ्वी में रहते हैं ना, तो जो है पृथ्वी एक ग्रह है। तो पृथ्वी मतलब जहाँ पे हम लाइफ अपना जी सके ऐसा ग्रह दिखाई दे रहा है। नासा के दूरबीन से दिखाई पृथ्वी जैसे जन्म जैसी तस्वीरें 424 प्रकाश वर्ष दूर है नया ग्रह। शिकागो की बात है, शिकागो में हमारी पृथ्वी ने 424 प्रकाश वर्ष दूर गर्म गर्दों गुब्बार के बीच भथरती जैसा एक ग्रह आकार ग्रहण कर रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 1.6 करोड़ वर्ष की उम्र वाले इस ग्रह का सौरमंडल अभी मुश्किल से किशोरावस्था में है। मतलब कब देखो, ये 5 अक्टूबर 2007 यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी 2007 की लिखी हुई बुक है ये 2007। अभी 2007 से अभी कितना वर्ष हुआ, 15 साल हो गया। तो मतलब ये 15 साल से मैं स्टैंडर्ड 8 में पढ़ा रही हूँ किताब। लेकिन जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की, मुझे तो दिखाई भी नहीं दे रहा है, अप्लाइड फिजिक्स
प्रयोगशाला के मुखिया कैरी शिष्य के मुताबिक यह पृथ्वी जैसे ग्रह के जन्म लेने को की बिल्कुल सही अवस्था है। मतलब 2007 में जो है ये बताया गया है कि जो पृथ्वी जैसा ग्रह जो जन्म ले रहा है वो किशोरावस्था में है, यानी कि 15 से 16 वर्ष की आयु में है, और ये उस समय उसका जो जन्म लेने का जो सही है पृथ्वी का ग्रह का वो बिल्कुल सही है। इस सौर मंडल के दो तारों में से एक इर्द गिर्द धूल की गहरी रिंग बनी हुई है, आपको दिख रहा है पिक्चर में, बन गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह रिंग सौर मंडल के में के बसने योग्य क्षेत्र को जमा कर रही है, और एक दिन इस जगह पर धरती जैसा मिट्टी पत्थर से बना ग्रह जन्म लेगा जिसमें पानी भी मौजूद होगा। कैरी शिष्य कहते हैं कि जैसे सूर्य जैसे तारे के चारों ओर धूल की ऐसी पट्टियां का जन्म लेना एक बहुत दुर्लभ घटना है, और इसके बाहर की ओर बर्फीली बेल्ट से यह संभावना बनती है कि एक दिन इस ग्रह में पानी भी मौजूद होगा। और उन्होंने कहा कि ग्रह का रूप ले रही धूल उन्हीं पदार्थों से बनी है जिनसे हमारी पृथ्वी के क्रस्ट और कोर का निर्माण हुआ। शिष्य के अनुसार इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि एक दिन यहाँ धरती जैसा जीवन भी पनपे। उन्होंने कहा कि वह धरती के जन्म की घटना को दोबारा देखने जैसा अनुभव है। यह दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना की तस्वीरें नासा के स्पिटजर स्पेस टेलीस्कोप ने उतारी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन दृश्यों को धरती पर टेलीस्कोप तक पहुंचने में 424 वर्ष लग गए, लेकिन एक नए ग्रह के जीवन को जीवन की तुलना में यह पलक झपकने जैसा है। उन्होंने बताया कि इस ग्रह को हमारी पृथ्वी जैसा रूप लेने में अभी 10 करोड़ साल लगेगा। 10 करोड़ साल समझते हो कितना लंबा समय। तो ये है हमारा बहुत दूर जन्म ले रहा है, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है, किस घटना से, हाँ बहुत दूर जो है पृथ्वी जैसा ग्रह जन्म ले रहा है इस घटना से। पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है, हाँ बोलो, यहाँ पे दिया हुआ है ना, धरती जैसा मिट्टी पत्थर से बना और उसमें पानी भी मौजूद हो, जहाँ सूर्य जैसे तारे भी चमकते हो, ऐसी स्थिति होना आवश्यक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रेखा खींचकर सही जोड़े मिलाइए, ठीक है। यहाँ पे 424 वर्ष में क्या होने वाला है, शॉकर, टेक्स्ट बुक है आपके पास, हाँ खड़े हो जाइए, बताइए 424 वर्ष प्रकाश वर्ष में क्या होने वाला है, मैं सब फॉलोइंग में बताइए पढ़ के, मतलब जिस समय मैं जिससे पूछती हूँ उसका ध्यान बुक्स में किताबों पे नहीं रहता है। निश्वा, मुझे सुनाई नहीं दिया, किसी को सुनाई दिया, मुंह मास्क नीचे करके तब बोल दो, हाँ क्या बोलो, और ये क्या है, ये क्या पहना है अंदर तुमने, हाँ हाँ क्या पहना है, क्या हाँ शू ग्लव्स पहने, अलाउड है स्कूल में, कौन पहनता है,
कौन पहनता है? तुम नाइन्थ की बराबरी करोगे? तुम कौन से स्टैंडर्ड में? तुम्हारी क्लास टीचर कौन है? कौन से सर हैं? क्लास टीचर कौन है तुम्हारे? मैथ्स के टीचर क्लास टीचर है। अटेंडेंस कौन लेता है तुम्हारे क्लास का? मैथ्स के सर आते हैं लेने के लिए। तुम क्या? उतार दीजिए, हमने अलाउड नहीं किया। और इस समय क्या गर्मी हो रही है, धूप हो रही है, वो जो तुम ग्लव्स पहने हो? बताओ ये 424 वर्ष प्रकाश वर्ष में क्या हुआ है? क्या है मीत बोलो? बेटा 424 प्रकाश वर्ष में क्या हुआ है? हाँ बोलो। तुम पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी? हाँ, 424 प्रकाश वर्ष पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी है। पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी, तुमने बोला नए ग्रह की उम्र, मतलब अपनी बात मनवाना चाहते हो। आपने जो बोल दिया वो सही हो गया। बैठ जाइए। और 1.6 करोड़ वर्ष, हाँ, नए ग्रह की उम्र 10 करोड़ वर्ष। रेज योर हैंड्स ओनली। पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय, फिर स्पिरिचुअल स्पेस, हाँ राइट, नासा का टेलीस्कोप कैरी सिसे, हाँ सोकत, और लास्ट बचा ही ऑप्शन वैज्ञानिक। अब स्वाध्याय देखिए आप, अभी आपको ही बताना है। स्वाध्याय में उदाहरण के आधार पर उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए। जैसे यहाँ पे भिन्न का दिया हुआ है, भिन्न में उपसर्ग लगना, उपसर्ग के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, जो वो शब्द जो आपका मूल शब्द है उसके आगे जो शब्द लगता है और उससे अर्थ परिवर्तन हो जाता है, अर्थ परिवर्तन हो जाता है। और प्रत्यय ऐसा शब्द है जो जो मूल शब्द है उसके बाद वो शब्द लगता है, उससे अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है, नया शब्द खाली बनता है। ठीक है, ओके। अब देश में क्या क्या लगेगा? विदेश, बोलना एक साथ नहीं है, सिर्फ ओनली रेज योर हैंड। हाँ ब्रिजिशा, और कोई विदेश के अलावा? और प्रदेश, और देखो देश है, देश शब्द है, उसमें वी लगाया, विदेश हो गया, अर्थ पूरा चेंज हो गया। हाँ प्रदेश लगाया, अर्थ पूरा चेंज हो गया। और बोलो उपदेश, उपदेश भी होगा। हाँ दूर देश, उपदेश होगा, स्वदेश होगा, ये सब उपसर्ग कहलाते हैं। चलो नेक्स्ट बोलो, ओनली रेज योर हैंड्स, और लिखते जाइएगा आप अपने टेक्स्ट बुक में। चलो नेक्स्ट बोलो, मोहित कहाँ है तुम्हारी टेक्स्ट बुक? उसकी कहाँ है? तो काका पापा ये जो है सब क्या कहते हैं, शेयरिंग में ही काम चलता रहेगा पूरे साल। बोलो आज पक्का, ओके। और कोई अध जला,
अधूरा नहीं, अध पका है। अच्छा अध पका है तो ठीक है, अध पका ही आएगा। फिर गम, अध पका अध गम से दुर्गम। अब पायल नहीं बताएगी, अब जिसको बोलूंगी चलो किशन बोलो। योग प्रयोग, गुड बैठ जाओ। वियोग ठीक है चलो। फिर जीव, जल्दी जल्दी निर्जीव। बल अर्पिता, बल सबल, ओके बल सबल दुर्बल निर्बल है ना, दुर्बल भी हो सकता है निर्बल भी हो सकता है। फिर उसके बाद समझ, बेसमझ, असमझ सब सही है, बेसमझ भी सही है असमझ भी सही है। फिर सुविधा, आकृष्ट असुविधा। फिर वांछित, उसके आगे भी अ लगा देना है अवांछित। अब प्रत्यय ठीक है, अपत्र प्रत्यय। चलो नंबर वन विदेश है, विदेशी विदेशी ओके। चलो नेक्स्ट प्रकृति, प्राकृतिक, प्राकृतिक नहीं होता है प्राकृतिक हो जाता है। फिर पुत्र, पुत्री पुत्री। लापरवाह, लापरवाही। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन बोलेगा? पहले से चंचलता। नेक्स्ट क्या? मानवता, पर यंत्र है इसके बाद, यंत्र नहीं है, यंत्र का क्या होगा? यांत्रिक, यांत्रिक मानव का मानवता, यंत्र का यांत्रिक। यह पे आ की मात्रा अत्र त्र पे छोटी की मात्रा का यांत्रिक। फिर हंस का हंसी, ओके आप क्वेश्चन नंबर फोर देखिए पेज नंबर 48। आपको ये अपनी टेस्ट नोटबुक में लिखना है होमवर्क। देश की उन्नति विकास एवं रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहेंगे? ठीक है, किसान या सैनिक? किसान भी देश की रक्षा करता है, हाँ देश की उन्नति में विकास में उसका सहायक होता है, और सैनिक भी देश की रक्षा करता है, उसकी उन्नति करता है, उसके विकास में सहायक होता है। तो आप इन दोनों में से क्या बनना चाहेंगे, अगर बनना चाहते हैं तो क्यों, यानी पक्ष भी आपको ही लिखना है और विपक्ष भी आपको लिखना है, दोनों ही तर्क देना, ये आपको होमवर्क में करना है। आप किसान बनना चाहते हैं राइट है, लेकिन किसान बनना चाहते क्यों चाहते हैं वो भी कारण आपको बताना है। कारण सहित अपने मित्र को पत्र द्वारा बताइए, यानी आपको पत्र लिखना है, अपने मित्र को पत्र द्वारा बताना है। हाँ
पत्र आपको अपने मित्र को लिखना है कि मैं किसान बनना चाहता हूँ तो क्यों बनना चाहता हूँ, मैं सैनिक बनना चाहता हूँ तो क्यों बनना चाहता हूँ। फिर उसके भाषा सज्जता में देखी गया है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए। बात है नहीं किसान, निधि बहुत काम करती है, रुद्र बहुत हंसता है, दिवेश और चिराग बहुत घूमते हैं, जूही और रिया ने बहुत खरीदारी की, मुझे आज बहुत खुशी हुई है, कल सविता बहुत हंसेगी। ऊपर दिए गए वाक्यों के पढ़ने में पता चलता है कि रेखांकित शब्द बहुत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लिंग परिवर्तन और लिंग वचन काल बदलने पर भी उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो जिस शब्द का कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे लिंग बदलना हो, चाहे वचन बदलना हो, चाहे काल बदलना हो, लिंग में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, वचन में एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, फिर उसके बाद काल, भूतकाल हो, भविष्य काल हो, चाहे वर्तमान काल हो, कोई भी काल हो, उसमें ये हर ये जो सिक्स सेंटेंस है, ये सिक्स सेंटेंस सब में जो है सारे इसमें आया हुआ है। लेकिन जो बहुत शब्द दिया गया है वो बहु शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जिन शब्दों में हर एक सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है वैसे शब्द अपव्यय कहलाते हैं। जिन पदों के रूप लिंग वचन काल या कारक के कारण नहीं बदलते, अर्थात जो सदैव एक से बने रहते हैं, उन्हें अपव्यय कहते हैं। जिनमें व्यय न हो अर्थात विकार न हो, कोई परिवर्तन न हो, जो अविकारी है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपव्यय। जैसे लड़का धीरे धीरे चल रहा है, अगर यहाँ पे ये शब्द आ जाए लड़की धीरे धीरे चल रही है, तो धीरे धीरे में कोई चेंज आया? लड़का धीरे धीरे चल रहा है, लड़की धीरे धीरे चल रही है, औरत धीरे धीरे चल रही है, आदमी धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो ये धीरे धीरे शब्द क्या, कौन सा शब्द कहलाएगा? अपव्यय। हाँ, कौन सा शब्द सत्य कहलाएगा? अव्यय। फिर सब देखो वही चीज़ है, बहुत सी लड़कियाँ धीरे धीरे चल रही है, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, हम धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन ये धीरे धीरे शब्द कहीं पे चेंज नहीं हुआ है, इसलिए ये अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द की सूची यहाँ पे बताया है, और तथा अथवा या वाह अहा कल अधिक धीरे धीरे ऊपर, ये जो शब्द है ये कहीं पे भी चेंजेस नहीं होता है। ये कोई भी, चाहे लिंग चेंज हो रहा हो, चाहे वचन चेंज हो रहा हो, चाहे काल चेंज हो रहा हो, चाहे ये कोई भी चेंजेस हो रहा है, लेकिन ये सारे चेंजेस इस शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आता है वो शब्द अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। फिर निम्नलिखित वाक्यों में से ऐसे पद ढूंढिए जो अव्यय है। पहला, उमंग और स्मित घर चले गए, और फिर तुम्हें अपने जन्मदिन पर कैमरा चाहिए या मोबाइल फोन। वाह, क्या कैच लिया। दुर्योधन तथा कर्ण में गहरी मित्रता थी। फिर वह तेज दौड़ा, ठीक है, अब समझ में आ गया। ओके, अब हमारा जो है लेसन नंबर 8 ही है वो। अब लेसन नंबर इसके जो है क्वेश्चन आंसर्स जो है नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं।